हेलो दोस्तों, आप एक सीएससी वेले थे दोस्तों, आपके लिए गुड न्यूज है दोस्तों कि आपको भी यहाँ पर जो कि जो भी आप भी बैंक मित्र में रजिस्ट्रेशन किए थे तो दोस्तों आपके पास भी कुछ इस टाइप का मैसेज आ गया है। तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ वो कौन सी टाइप का मैसेज है। तो दोस्तों आपने जब बीसी के लिए रजिस्ट्रेशन किए थे जो कि बैंक मित्र में, तो दोस्तों आपका स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल जब तक अप्रूव हो जाता है उसके बाद जाके 2-4 दिन छोड़ के वहां पर एक मैसेज आता है। यहाँ पर देख सकते हो जो कि यहाँ पर रमाकांत जी ने वहां पर डियर वेली कंग्रेचुलेशन योर सीएससी आईडी इज वेटलिस्ट इन आईसीआईसी बैंक टू वर्किंग इन आईसीआईसी बैंक बीसी कैंडी कॉन्टैक्ट योर सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर एंड ओपन द आईसीआईसी करेंट अकाउंट टूडे। तो मतलब उसका मतलब है कि दोस्तों आपको भी कुछ इस टाइप का मैसेज आया है। तो दोस्तों आपने सोचा होगा तो आगे मुझे क्या करना है, मतलब आप करेंट अकाउंट तो खोलोगे उसके बाद आगे क्या करना है। तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप आगे क्या करना है। आपके पास भी जो कि बीसी अप्लाई किए थे हो या एक्सिस बैंक के लिए अप्लाई किए थे या स्टेट बैंक के लिए अप्लाई किए थे या एनी अदर जो भी बैंक के लिए आप अप्लाई किए थे, तो दोस्तों आपको पहले अपना जो कि करेंट अकाउंट ओपन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो कि करेंट अकाउंट करके दोस्तों उसके बाद आपका नियरेस्ट जो भी ब्रांच है वहाँ पर जाके सबमिट कर देना। उसके बाद दोस्तों वहाँ पर ब्रांच में जो जो भी बोलते हैं वहाँ से सब कुछ आपको जो जो बोलते हैं वहाँ पर देना है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों जो भी बैंक के लिए बीसी अप्लाई किए थे दोस्तों पहले आपको एक करेंट अकाउंट ओपन कर लेना है। कैसे क्या ओपन करना है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ दोस्तों, जो कि पीडीएफ फाइल ओपन करके जो कि हमारे डीएम सर ने यहाँ पर बोले थे दोस्तों। तो यहाँ पर जो कि देख सकते हो स्क्रीन पर यहाँ पर ICICI बैंक BC करेंट अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस सेल्फ करेंट अकाउंट ओपनिंग मैनुअल वर्जन 1.2 यहाँ पर देख सकते हो आपका ICICI बैंक की तरफ से आपको मैसेज आया। तो दोस्तों मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा देता हूँ पहले आपको क्या करना है। यहाँ पर देख सकते हो सीएससी गवर्नमेंट सर्विस इंडियन लिमिटेड। तो दोस्तों यहाँ पर पहले पर जो कि रिक्वायरमेंट क्लाउड वी एक्टिव वैली ऑफ सीएससी हैव लैपटॉप और डेस्कटॉप विद इन ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 एंड अबव, जो कि आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप विंडोज 7 से जो कि ऊपर में आपका रन करना चाहिए, मतलब 8-10 हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रिक्वेस्ट टू सेटिंग वेली क्लाउड हैवी एनी ऑफ दियर बायोमेट्रिक मार्फो मंत्रा एंड स्टार्टिंग नीड टू इंस्टॉल ऑफ योर बायोमेट्रिक मार्फो मंत्रा एंड स्टार्टिंग। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर द मोजिला फायरफॉक्स देन यू नीड टू चेंज द सेटिंग ऑफ मोजिला फायरफॉक्स। तो दोस्तों मैं इस जो कि पीडीएफ फाइल का डॉक्यूमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप क्लियर से देख भी सकते हो दोस्तों। आपका पास ये मैसेज आएगा तो दोस्तों पहले आपको अपना करेंट अकाउंट ओपन कर लेना है दोस्तों, ये तो एक हो गया स्टेप। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सब कुछ जो आईडी पासवर्ड जो कि ICICI एक्टिवेशन प्रोसेस चलाने के लिए आपको कुछ इस टाइप का सेटिंग करना पड़ेगा। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि कहाँ कौन सी मैं कितना क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं टू नेट स्टेप, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो कि दिखाया गया है यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करके आना है, यहाँ पर सब कुछ स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताया गया है दोस्तों। यहाँ पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का सेटिंग क्या करना है, जो कि ब्लॉक पॉपअप विंडोज को क्या करना है, वो सब कुछ यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताया गया है दोस्तों। दोस्तों आप कुछ इस तरह से अपना भी मैसेज आ गया, कहाँ क्या फिल करना है सब कुछ यहाँ से देख के आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों बस इस वीडियो में बस इतना है कि आपका भी कुछ इस टाइप का मैसेज आ गया तो दोस्तों आगे आप कैसे क्या करना चाहते थे। तो दोस्तों हमने आपको दिखा दिया कुछ इस तरह से आपको करंट अकाउंट ओपन करना है और अपना सेटिंग खुद सेल्फ सेटिंग करना है दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना है, वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी तो दोस्तों एक लाइक कीजिए और चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कुछ इस तरह का वीडियो देखने के लिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में, आज के लिए टाटा एंड बाय बाय।